तो कैसे हो आप सभी। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से। अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है और आप एयरटेल पेमेंट बैंक से पेटीएम अकाउंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक को पेटीएम में कैसे लिंक करते हैं, मतलब कि पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से, और पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं, पेटीएम ऐप से किस तरह से मनी ट्रांसफर करते हैं। आज की इस वीडियो पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड अगर गाइस आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन नहीं है तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको पेटीएम एप्लीकेशन अकाउंट कैसे बनाना, पेटीएम पर अकाउंट कैसे बनाना है एयरटेल पेमेंट बैंक से। तो सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको वह मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ लिंक रहे, और जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो सिम आपके मोबाइल फोन में डली रहना चाहिए क्योंकि वेरीफाई करता है, ठीक है। तो आपको इधर पर मोबाइल नंबर देने के बाद प्रोसेस टू वाले ऑप्शन में क्लिक करना, उसके बाद परमिशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद इधर पर आपका जो भाई ओटीपी आ जाएगा, तो इधर पर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डाल देना जो भी ओटीपी आता है। तो ओटीपी आ चुका, ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की लोडिंग्स होगी और इधर पर आपका पेटीएम एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब पेटीएम एप्लीकेशन में एयरटेल पेमेंट बैंक को लिंक कैसे करते हैं चलो मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो आपके सामने जो भाई इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा प्रोफाइल वाला, आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आप देखोगे तो आपके सामने इधर पर बहुत ज्यादा ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इधर पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ यूपीआई पेमेंट सेटिंग्स, तो आपको इधर पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की लोडिंग्स होने वाली है और इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब इधर पर आप देखोगे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, तो आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब इधर पर बहुत ज्यादा बैंक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इधर पर आपको ढूंढ लेना है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इधर पर आप देखोगे इधर पर देखने के लिए मिल जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर आपके में देखने के लिए नहीं मिलता आप इधर से सर्च कर सकते हो। तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ लोडिंग्स होने वाली है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। और इधर पर आप देखोगे तो इधर पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ चुका है रिसीव मनी फ्रॉम एनी यूपीआई, तो आपको इधर पर क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक कर दोगे तो आपका बैंक अकाउंट भाई सक्सेसफुल ऐड हो चुका है और आपकी यूपीआई आईडी भी क्रिएट हो चुकी है, तो आपको ओके वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो इधर पर देख सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक लिंक हो चुका है पेटीएम एप्लीकेशन में। अब जो भाई पेटीएम एप्लीकेशन में इधर पर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकता हूँ, पेटीएम एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, मोबाइल रिचार्ज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बैंक बैलेंस चेक करना बताऊंगा, तो आपको सिंपल से इधर पर क्लिक करना अपने एयरटेल पेमेंट बैंक पे, उसके बाद इधर पर एक ऑप्शन आएगा चेक बैलेंस, क्लिक कर देना। और जैसे आप चेक बैलेंस वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे आपका यूपीआई पिन मांगा जाएगा, तो आपका जो भी यूपीआई पिन है भाई वो आपको यूपीआई पिन दे देना। यूपीआई पिन देने के बाद आपके इधर पर बैंक बैलेंस चेक करके बता दिया जाएगा, जैसा कि आप इधर पर देख सकते हो। अब बात करते हैं आपको पैसे वगैरह कैसे ट्रांसफर करना है एयरटेल पेमेंट बैंक से। जब आपका पेटीएम एप्लीकेशन अकाउंट बन जाएगा तो पेटीएम से किस तरह से पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो पैसे ट्रांसफर करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। जैसे कि मैं आपको पहला तरीका बताऊं, आप देखो मानो कि आप अगर किसी भी शॉप पर जाते हो और आप शॉपिंग वगैरह करते हो और उधर पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाता है, आपको क्यूआर कोड पर पेमेंट करना है। क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इधर पर सिंपल से स्कैन पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप स्कैन पे वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे इधर पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा एनेबल कैमरा, आपको क्लिक कर देना और अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। उसके बाद इधर पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। जैसे स्कैन करोगे तो आप इधर से पैसे वगैरह सेंड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन इधर पर आपको जो मिल जाता
रहेगा कि अगर आपका फ्रेंड वो पेटीएम एप्लीकेशन को ही यूज करता है तो आप उसके डायरेक्टली मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। कैसे करना है, सिंपल सा आप देखोगे पेटीएम एप्लीकेशन में इधर पर एक ऑप्शन आ रहा है टू मोबाइल नंबर टू कॉन्टैक्ट, तो आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर जैसे आप एंटर कर दोगे तो इधर से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपको पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद इधर पर आपको अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो इधर पर आपको सिंपल सा पहले अमाउंट लिख देना है, उसके बाद पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इधर पर देखा जाए तो वही का वही मेरा अकाउंट है, इसलिए पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इधर पर मैं दूसरे नंबर पर आपको पेमेंट करके बताता हूँ। तो इधर पर जाऊंगा मैं और इधर पर अमाउंट लिख दूंगा और पे वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा, इधर पर पूछा जा रहा है कि आप किस बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हो। तो मैं एयरटेल पेमेंट बैंक को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में क्लिक करना, आपका यूपीआई पिन मांगेगा। यूपीआई पिन आप जैसे दे दोगे तो आपकी जो पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि गाइस आपको मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है। तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, इधर पर एक ऑप्शन आएगा मोबाइल रिचार्ज का, आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इधर पर आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिलेगा इंटर मोबाइल नंबर। तो आपको जिस भी मोबाइल नंबर पर मोबाइल रिचार्ज करना है उस मोबाइल नंबर को इंटर कर दो। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपके सामने इधर पर प्लान वगैरह आ जाएगा। जिस भी प्लान का आपको रिचार्ज करना है तो आपको उस प्लान को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक कर दोगे इधर पर आपको किस बैंक से पेमेंट करना है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक से करना है, एयरटेल पेमेंट बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यूपीआई पिन जैसे दे दोगे आपकी पेमेंट हो जाएगी सक्सेसफुल और आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेटीएम अकाउंट बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।